वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी DIY हेयर पैक, इससे आपका बाल जो है हेल्दी ग्रो होने लगेंगे और साथ ही सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे, आपके बाल भी सिल्की स्मूथी शाइनी हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने के पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो मेरे इंस्टाग्राम लिंक्स भी नीचे वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर चुकी हूँ, आप वहीं पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इस हेयर पैक के लिए एक क्लीन बॉल में हमें लेना चाहिए मेहंदी पाउडर। तीन चम्मच मेहंदी पाउडर, मैं तीन बड़े चम्मच मेहंदी पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप दो चम्मच ऐड कर सकते हैं, अगर आप बाल थोड़ा लंबे हैं आप तीन से चार चम्मच ऐड कर सकते हैं। ये अपना बालों को काला कर देता है, बालों को ग्रोथ को भी बढ़ा देता है और आपके बाल सफ़ेद बिल्कुल होने नहीं देते हैं, इसलिए मेहंदी पाउडर इस्तेमाल कर चुकी हूँ। आप नया मार्केट वाले मेहंदी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, आप मेहंदी लीव्स को सुखा के ड्राई करके पाउडर भी बना सकते हो। इस मेहंदी पाउडर में हमें ऐड करना चाहिए, इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है टी, ऐड करना है। मैं टी को बॉइल करने के बाद विदाउट शुगर विदाउट मिल्क टी बनाना चाहिए, बना के आप इस टी को इसमें ऐड करके मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि आप इसमें टी ऐड करके मिक्स करने से इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह मिल जाएंगे और आपका बाल भी सिल्की स्मूथी हो जाएंगे। सफ़ेद बालों का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप हेयर को कलरिंग करवाने का ज़रूरी नहीं है, बालों को नेचुरली आप शाइनी कर सकते हो, नेचुरल कलर भी देता है ये मेहंदी पैक। ये हर हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, इससे बाल नेचुरली हेल्दी होंगे और सिल्की स्मूथी भी हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी बढ़ने भी लग जाएंगे, क्योंकि एक नेचुरल होम पैक है, ये हर कोई घर में आसानी से बना सकते हो। और नेचुरल होम रेमेडीज जो है ये अपने बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इससे हेयर हेल्दी रहेगा और इससे कुछ भी किसी तरह नुकसान साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं अपना स्किन को और हेयर को नेचुरल होम रेमेडीज से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मेरे बाल हमेशा सिल्की स्मूथी शाइनी होता है और मेरा हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि मैं नेचुरल DIY होम रेमेडीज से बालों को इस्तेमाल करती हूँ। अभी ये बन चुका है, आप इसको चाहिए तो तुरंत अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा आपके ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो इस पैक बनाने के बाद आप इसको होल रात के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसके बाद सुबह आप बालों को शैम्पू करने के पहले इस पैक को लगा लीजिए, एक आधा घंटे तक छोड़ के इसके बाद बालों को माइल्ड शैम्पू से हेयर को वॉश कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप तुरंत बना के भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिज़ल्ट तो सेम ही आएंगे। अगर आपको और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो आप इस तरह बना कर सकते हो। इसको आप ऑल ओवर बालों के ऊपर हाथों की मदद से या हेयर पैक ब्रश की मदद से अप्लाई कीजिए। आप रूट से लेके पूरा जड़ तक बालों को जितना भी लेंथ है लेंथ तक पूरा अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके आप आधा घंटे तक छोड़ दीजिए, इसके बाद शैम्पू कीजिए आधा घंटे के बाद। ऐसा हर हफ्ते दो बार जरूर कीजिए, इससे बाल सफ़ेद नहीं होंगे, हेल्दी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे। अगर आप बाल ज़्यादा जड़ रहे हैं तो इसके लिए भी बेस्ट पैक है ये, बाल जड़ना भी कम करेगा साथ ही इससे बाल जल्दी जल्दी ग्रो भी हो जाएंगे, सिल्की स्मूथी और शाइनी होगा, इन सभी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। और ये बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे किसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, नुकसान नहीं है, 100% सेफ और इफ़ेक्टिव पैक है। सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।